गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आज हम लोग जो इससे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं जियोमॉर्फोलॉजी में कि विभिन्न तरह के स्थलाकृतियाँ वो कैसे बनते हैं, तो उसी में हम लोग इससे पहले वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति पढ़ लिए थे। और आज हम लोग क्या अध्ययन करेंगे तो जल निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप। तो सबसे पहले इसमें देखेंगे कि विभिन्न तरह की आकृति और उसका नाम क्या क्या होता है। जैसे सबसे पहला है, इसका नाम है बालसन तथा पयाला। ये कहाँ बनेगा? बालसन सा पयाला, ये रेगिस्तानी भागों में पर्वतों से घिरे बेसिन को क्या कहेंगे? तो बालसन कहते हैं, बालसन। या शुष्क या अर्ध शुष्क क्षेत्रों में अंतर पर्वतीय द्रोणियों के केंद्र की ओर होने वाले निक्षेपण के प्रक्रम के द्वारा ये विकसित होती है। मतलब निक्षेपण मतलब क्या है? डिपोजिशन द्वारा विकसित होती है। और विकसित भू आकृति को क्या कहेंगे? तो पलाया कहते हैं। वर्षा के कारण बालसन में तीव्र गति से जल के जमा होने के कारण अल्पकालिक झीलों का निर्माण होता है। ऐसे झीलों को क्या कहेंगे? तो पलाया झील कहेंगे। और तारिम बेसिन में स्थित लोपनोर झील पयाला झील का एक विशिष्ट उदाहरण है। कौन? तो लोपनोर झील। और सहारा मरुस्थल में इन्हें सेबखा तथा अरब के रेगिस्तान में खबाड़ी तथा ममलाहा कहते हैं। और अधिक लवणीय पलाया झील क्या कहेंगे उसको? तो सैली नाज कहा जाता है। क्या? तो सैली नाज। सामान्य तौर पर समझ लीजिए कि पयाला कहाँ बनता है? जहाँ और जो शुष्क क्षेत्र जहाँ पर तेज हवाएं बहती हैं, तो अगर क्षेत्र बराबर टूटल है और यहाँ से हवा आ रही है, मान लीजिए बगल में पहाड़ी है तो पतला संकरा क्षेत्र है, तो हवा आएंगी तो खूब तेजी से निकलेंगी, यहाँ पर अपरदन होगा और अपरदन होते 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 गड्ढा हो जाएगा। तो यही बात कह रही है, जो झील बन गया गड्ढा, तो अब इसमें पानी भर जाएगा बरसात में, तो क्या हुआ इसी झील को क्या कहेंगे? तो पलाया झील। और ये पलाया अधिकतर क्या होंगी? तो ये खारे पानी की होंगी। और अधिक लवणीय पलाया उसको क्या कहेंगे? तो सैली नाच कहेंगे। और अरब के रेगिस्तान मतलब सऊदी अरेबिया की बात हो रहा है, तो वहाँ कहाँ है? उस वहाँ इसका क्या नाम है? तो खबाड़ी तथा ममलाहा। वही सहारा मतलब अफ्रीका, तो उसमें उसको क्या कहा गया? उसको सेबखा कहा गया, सेबखा। और आगे देखते हैं बजादा पयाला, ये क्या है? बजादा पलाया तथा पर्वतीय अग्रभागों के मध्य जलोढ़ पंखों के मिलने से जिस संरचना का निर्माण होता है, यानी ये जलोढ़ मतलब नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी, तो उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग बजादा कहते हैं, बजादा पलाया। यह शुष्क प्रदेशों में पर्वतीय पदीय ढलवा मार्ग पर नदियों द्वारा निक्षेपित बालू होता है। मतलब नदी द्वारा क्या हो गया? जमा किए गए बालू के द्वारा इनका निर्माण होता है। कौन हो गया वो? तो बजादा पलाया। और पेडिमेंट पर्वत, ये क्या है? तो पर्वतीय अग्रभाग यानी पर्वत का जो आगे का शीर्ष है, तथा बजादा के मध्य अपर्दित शैल सतह वाले समान ढाल वाले भाग को क्या कहेंगे इसको? तो पेडिमेंट कहते हैं। और पेडिमेंट का निर्माण अपर्दन के कारण होता है, जबकि बजादा क्या है? पेडिमेंट अपर्दन यानी जो पानी बह रही है नदी की, वो इसको अपर्दन के कारण बना देती है, जबकि बजादा इन्हीं अपर्दित पदार्थ की ओर जमा करेगी। कहीं तो कहीं अपर्दन होगा तो कहीं जमा होगा, कहीं डिपोजिशन होगा, तो क्या वो बजादा एक निक्षेपित संरचना है। और आगे बढ़ते हैं, शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र की अंतिम अवस्था में उत्पन्न आकृति विहीन मैदान को क्या कहेंगे उसको? को डेविस ने, डेविस मतलब ज्योग्राफर ने क्या कहा उसको? तो पेने प्लेन कहा। पेने प्लेन मतलब बराबर समतल हो गया। और एसी लासन, एसी लासन ने उसको क्या कहा? उसको पेन फेन कहा। एसी लासन ने पेन फेन। और एलसी किंग ने क्या कहा उसको? तो पेडी प्लेन। सब में तो प्लेन मिलेगा आपको केवल इसको छोड़कर, एसी लासन को। और एडी हावर्ड ने उसको पेडी प्लेन कहा। तो पेडी प्लेन कौन कौन कहेंगे? दो व्यक्ति, तो एलसी किंग और एडी हावर्ड ने क्या कहा? तो उसको पेडी प्लेन कहा। एसी लासन ने कहा पेन प्लेन, और डेविस ने कहा उसको पेने प्लेन। और पेडिमेंट की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे ये चार व्यक्ति महत्वपूर्ण हैं। तो लासन ने क्या कहा? लासन महोदय ने कि पर्वताग्र के पीछे हटने का सिद्धांत है। कौन? तो पेडी प्लेन। पेडी मतलब प्लेन मतलब क्या? मान लीजिए ये पहाड़ है और समय के साथ खत्म होते होते अंत में ऐसा बच जाएगा, क्लियर? मतलब एक समांच, मान लीजिए कि प्लेट को, पर्वत को कोई काट कर यहाँ से हटा दिया, तो वही क्या हो? पेडी प्लेन की संकल्पना है। तो पर्वताग्र के पीछे हटने का सिद्धांत, मतलब ये अपरदन होते चला गया तो अब ऐसा क्षेत्र हो जाएगा, सिंपल। दूसरा है मैगी, मैगी मतलब चादरी बाढ़ सिद्धांत। किन्होंने कहा? तो मैगी ने कहा, चादरी बाढ़ सिद्धांत। और जी के गिलबर्ट महत्वपूर्ण है,
जीके गिलबर्ट महोदय के कारण पार्श्विक अपरदन सिद्धांत इन्होंने दिया है और पेडिमेंट की उत्पत्ति का सिद्धांत है सब सब। और जेसी पूग है, जेसी पूग क्या कहते हैं कि अपरदन चक्र की संकल्पना का सिद्धांत है, कौन तो पेडी प्लेन की उत्पत्ति का सिद्धांत है। नॉर्मल देखिए ये सब, मान लीजिए कि पहले ये इधर क्या ऐसा पहाड़ क्षेत्र है, पहाड़ का अपरदन हो गया तो ये पर्वतीय अग्रभाग बचा हुआ है और बीच में खत्म हो गया पहाड़, तो क्या है सब पेडी प्लेन है, सब पेडी प्लेन की कल्पना है, पेडी प्लेन कहिए या पेडीमेंट कहिए। और बीच में जो अपरदन हो गया नदी द्वारा, ये अपरदन कर रही है तो उसको क्या कहेंगे, बजादा। और जहाँ जमा कर दिया स्थलाकृति उसको क्या कहेंगे, उसको पलाया कहेंगे। और पलाया क्या है, ये झील का आकृति लगा, कैसे पलाया झील होगा, अपरदन यहाँ पर डिपोजिशन होगा, हाँ तो यहाँ पर ये प्याला क्या हो गया, ये बीच का भाग है जहाँ ये झील है, और झील में मतलब यहाँ का मिट्टी उड़ गया और चारों तरफ जमा हो गए होंगे मिट्टी, ज़्यादा मिट्टी निक्षेपित मिट्टी है तो इससे किनारा हो जाएगा, तो ये झील का एक रूप धारण कर लेगा। ये जल द्वारा निर्मित मरुस्थलीय स्थल रूप है। और वायु द्वारा निर्मित देख लेते हैं हम, तो वायु द्वारा सबसे प्रमुख क्षेत्र होता है आकृति, उसका नाम है लोयस। पढ़ाया पढ़ते हैं हम लोग कि चीन में क्या है, तो लोयस का मैदान, यानी चीन में पढ़ते हैं हम लोग कि वायु द्वारा सुदूर देशों से, मतलब बहुत देशों से उड़ाकर जमा की गई बारीक मिट्टी के निक्षेप को क्या कहेंगे हम लोग, तो लोयस कहते हैं। लोयस मिट्टी के निक्षेप में परतें नहीं होंगी, इसमें परत का अभाव इसके वायु द्वारा जमा किए जाने का प्रमाण है। लोयस का नाम फ्रांस के अल्सस, क्या नाम है, अल्सस प्रांत के लोयस नामक ग्राम के आधार पर लिया गया है या किया गया है। लोयस के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, तो मरुस्थलीय भागों में या नदियों के बाढ़ क्षेत्र तथा हिम नदीय अवक्षेप से प्राप्त होती है। मतलब ये सब के सब लोयस के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री है, क्योंकि जब हवा बहेगी तभी ना इनके धूल और छोटे कण को उड़ाकर अपने पास यहाँ ले आएगी। और लोयस के प्रकार, लोयस दो प्रकार के होते हैं, एक मरुस्थलीय होता है, दूसरा एक हिम नदीय प्रकार होता है। तो मरुस्थलीय मतलब ये चीन का लोयस का मैदान है, और हिम नदीय तो ये फ्रांस और जर्मनी की लोयस है। तो देखते हैं लोयस का सबसे बड़ा विस्तार उत्तरी पश्चिमी चीन में पाया जाता है। यहाँ की लोयस का निर्माण मध्य एशिया के रेगिस्तानों से उड़ाकर लाई गई धूल के जमा होने से हुआ है। किसका, तो चीन के लोयस मैदान का। और चीन में 3 लाख वर्ग मील क्षेत्र में लोयस का विस्तार पाया जाता है। यहाँ के लोयस का रंग कैसा है, तो पीला है। इस भाग में नदियों ने लोयस को काटकर उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किया, उत्खात। और भारत में पढ़ेंगे चंबल वेटलैंड, तो चंबल ये भी उत्खात का ही उदाहरण है, मतलब बहुत ही बीरह का निर्माण करेगी, बहुत काटछाट करेगी। लोयस मृदा कृषि के लिए बहुत उपजाऊ है। लोयस का अध्ययन सर्वप्रथम रिच थोफेन ने किया था, क्या नाम इनका, रिच थोफेन ने किया था, क्या, तो लोयस का अध्ययन में कहाँ किया इन्होंने, तो उत्तर पश्चिमी चीन में किया था। ये अपने स्रोत क्षेत्र से काफ़ी दूर के भागों में जमा होते हैं। और लोयस का विवरण देखिए, तो उत्तरी चीन, मध्य यूरोप, उत्तरी अमेरिका का मिसिसिपी प्रदेश, शुष्क प्रदेशों में अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया, तो डेविस ने किया था। और कास्ट टोपोग्राफी यानी कास्ट स्थलाकृति देख लेते हैं। ये प्राय चूना के जहाँ मिट्टी होता है, चूना का पहाड़ वहाँ पर होते हैं और वो क्षेत्र आर्द्र होना चाहिए। तो देखते हैं भूमिगत जल की, जल भी अपरदन एवं निक्षेप का एक महत्वपूर्ण कारक है। भूमिगत जल निम्न क्रियाओं द्वारा अपरदन का कार्य संपन्न करता है, घुलनशील क्रिया, जलगति क्रिया, अपघर्षण, सन्निघर्षण आदि, परंतु इनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण घुलन क्रिया है। घुलन क्रिया के संपन्न होने के लिए जल का हल्का अम्लीय होना आवश्यक है। हम लोग जानते हैं कि अम्ल में क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड घुल जाती है, यही कारण है जो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड के घुलने के कारण कार्बोनिक अम्ल का निर्माण के कारण होता है। और घुलन क्रिया भी सभी शैलों पर समान रूप से नहीं होती है, घुलन क्रिया सभी शैलों पर नहीं होगी, जो घुलने वाले होंगे पानी में वही घुलेंगे। चूना युक्त घुलनशील चट्टान इसके लिए सबसे अधिक उपयुक्त हैं, जैसे चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, खड़िया आदि। चूने के पत्थर वाली चट्टानों के क्षेत्र में भूमिगत जल के द्वारा अपरदनात्मक एवं निक्षेपण क्रिया के कारण बने स्थल रूपों को क्या कहेंगे, तो कास्ट स्थल रूप कहते हैं। तो ये सब चूने पत्थर वाली चट्टानों में क्या होगा, भूमिगत जल के द्वारा अपरदन भी होगा,
तो एक जगह जब अपरदन होगा तो कहीं उसका जमाव भी होगा तो उसको निक्षेपण कहेंगे। तो दो तरह के अगर स्थलाकृतियाँ बनेंगे तो उसका नाम क्या है, तो वही कहा जाता है काष्ट स्थल रूप। और इसका नाम पूर्वी यूगोस्लाविया या वर्तमान में कहिए क्रोएशिया के पूर्वी एड्रियाटिक सागर तट के काष्ट क्षेत्र, वहाँ नाम ही है काष्ट क्षेत्र के नाम पर पड़ा, जहाँ ऐसी स्थलाकृति विकसित अवस्था में पाई जाती है। और यूगोस्लाविया के अतिरिक्त यह स्थलाकृतियाँ दक्षिणी फ्रांस के कासिस क्षेत्र, स्पेन का अंडालूसिया, मेक्सिको के यूकाटन प्रांत, मध्यवर्ती फ्लोरिडा, इंग्लैंड और फ्रांस के चौक क्षेत्र, आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र, यूएसए के न्यू मेक्सिको का कार्लसवार्द क्षेत्र में प्रमुखता से मिलती है। और भारत में कहाँ मिलेगा यह, हिमालय क्षेत्र में जम्मू और कश्मीर, देहरादून के पास, बिहार के रोहतास का पठार, मध्य प्रदेश में जबलपुर के निकट, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र एवं विशाखापट्टनम के पास कास्ट टोपोग्राफी मिलती है। और कास्ट स्थलाकृति के लिए कुछ आवश्यक दशाएं होनी आवश्यक हैं, जैसे कास्ट स्थलाकृतियों के विकास की आवश्यक दशाएं निम्नलिखित हैं, जैसे चूना युक्त घुलनशील चट्टानों की उपस्थिति, चूना पत्थर सर्वाधिक उपयुक्त है इसके लिए। दूसरा, घनी संधियों एवं भ्रंश युक्त पतले अस्तर वाली चट्टाने, जब चट्टाने का अस्तर पड़त उसका पतला रहेगा तभी ना कुछ कर पाएंगे जल। काष्ट क्षेत्रों में विस्तृत तथा गहरी घाटियों की उपस्थिति, पर्याप्त वर्षा पहले प्रमुख चीज है इसका, पानी पानी होगा तभी कुछ होगा, और जल की प्रवाहशील होना, जल गतिशील होगा तब काष्ट क्षेत्रों का निर्माण होगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अपरदनात्मक स्थल रूप, मतलब अपरदन द्वारा कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं, जैसे देख लेते हैं, ये कास्ट की बात हो रही है, एक अपरदन होगा दूसरा निक्षेप होगा। तो अपरदन में लैपीच महत्वपूर्ण है, ये चूना पत्थर के क्षेत्र में विशेषकर जहाँ ऊपरी सतह पर चूना पत्थर के आवरण का विस्तार होता है, वहाँ विभिन्न रंध्रों के विकास से अत्यधिक ऊबर खाबर या असमान क्षेत्र बन जाता है। यह जर्मन भाषा में इसको क्या कहेंगे, तो कारेंस, और अंग्रेजी भाषा में क्लाइंट या गैकर तथा बोगार, तथा फ्रांसीसी भाषा में इसको लैपीज के रूप में जाना जाता है। और यह धरातल पर कांटों की तरह निकला हुआ दिखाई देते हैं, देख लीजिए यहाँ पर पूरा पहले चूना पत्थर रहा होगा, सॉरी यहाँ पर से पानी गुजरेगा तो क्या हुआ, इसको पूरा में कांट छाट दिया। क्लियर है, और यह धरातल पर कांटों की तरह निकला हुआ दिखाई देता है, इसमें जो टॉप है इसका चोटी है शिखर हो गया मान लीजिए, और जो गड्ढा है ऐसा क्या है, ऐसा विदर है, यानी मतलब गर्त हो गया। आगे बढ़ते हैं, घोल रंध्र, ये क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त वर्षा का जल जब चूने पत्थर के क्षेत्र में प्रवाह होता है तो विशेष प्रकार की आकृति घोल रंध्र को जन्म देती है। सर्वप्रथम ऐसे क्षेत्रों में छोटे छोटे छिद्रों का निर्माण होता है जो बाद में बड़े हो जाते हैं। साधारणतः घोल रंध्र की चौड़ाई तथा गहराई 3 से 30 मीटर तक आंकी गई है, मतलब 3 से 30 मीटर तक गहरी हो सकती है इसकी चौड़ाई और गहराई। चौड़ा मतलब कम होगा, सॉरी हिल बार बार जा रहा है, चौड़ा कम होगा लेकिन एक गड्ढा बहुत गड्ढी हो सकती है 30 मीटर तक। और यह शंक्वाकार दिखाई देगा, मतलब शंक्वाकार मतलब कैसा, ऐसा देखिए इस तरह ऊपर ज़्यादा चौड़ा और नीचे पतला दिखाई देता है। दूसरा है विलय रंध्र, ये क्या है, यह घोल रंध्र का विस्तृत रूप है। जब कभी वर्षा जल चूना पत्थर के क्षेत्र में बार बार और तेजी से अपनी क्रिया करता है तो इतनी एक विशिष्ट प्रकार की आकृति विलय रंध्र के रूप में बन जाती है। यह इतनी बड़ी हो जाती है कि चूना पत्थर के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का संपूर्ण जल इसमें समाहित हो जाता है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो विलय रंध्र कहेंगे। और डोलाइन मतलब इसमें पूरी की पूरी नदी ही अंदर चली जाती है। दूसरा है डोलाइन, डोलाइन क्या है, एक बड़े आकार की रंध्र बेलनाकार अथवा कीप आकार में पाई जाती है, मतलब सबसे पहले छोटा, पहले क्या देखे थे हम लोग कि सबसे पहले ये होगा ये लैपीज, ये कांटेदार होगी, फिर गोल रंध ये 3 मीटर की होगी और गड्ढी बहुत गड्ढी हो जाएगी, उससे बड़ा क्या होगा ये विलय रंध्र, इसमें क्या होगा एक समूची जो नदी आ रही है वो पूरी की पूरी इसके अंदर चली जाएगी और आगे अंदर कहीं निकलेगी, अंदर गुफा बनेगा।
उसके बड़ा होगा डोलाइन। ये क्या है कि एक बड़े आकार की रंध्र बेलनाकार अथवा कीप आकार में पाई जाती है। इसकी आकृति पर वनस्पति का प्रभाव दिखता है क्योंकि अधिक वनस्पति वाले क्षेत्रों में इसकी घाटी चौड़ी एवं छिछली होती है तथा वनस्पति जहाँ नहीं है वहाँ ये तीव्र ढाल वाली होगी और यह लगभग 30 से 40 फीट चौड़ी तथा 6 से 75 फीट गौरी हो सकती है। मतलब 30 से 40 फीट यानी 10 मीटर तक चौड़ा भी हो सकता है। और युगोस्लाविया के चूना पत्थर में इसे क्या कहा गया है, कहाँ तो युगोस्लाविया के चूना पत्थर प्रदेश में इसे तो डोलिनास तथा डोलाइन के नाम से जाना गया है। कहाँ तो इसी नाम पर इसका नामकरण किया गया है। दूसरा है अब ध्वस्त रंध्र। अब क्या होगा, चूना पत्थर के क्षेत्र में कार्बन युक्त जल के प्रवेश से निर्मित डोलाइन आकृतियां एक साथ ध्वस्त हो जाती हैं और जिसे ध्वस्त रंध्र के रूप में जाना जाता है। मतलब कि पहले छोटा छोटा रंध्र था, अब ये बड़ा होने लगा, तो एक से अटैच हो जाएगा, अब इतना बड़ा हो जाएगा कि सब सब टूट जाएंगे और ये पूरा एक हो गया, एक होल हो गया, उसको क्या कहेंगे तो ध्वस्त रंध्र होगा। अब यू वाला देख लेते हैं। यह स्थलाकृति भी चूना पत्थर के क्षेत्र में अनेक डोलाइन ध्वस्त होकर एक साथ मिल जाते हैं। मतलब यू लाइन क्या है तो अनेक डोलाइन के ध्वस्त होकर मिलने से बनता है, जो बहुत बड़े आकार में और एक बहुत विस्तृत गड्ढे का निर्माण हो जाता है और जिसे युवालाज के नाम से जाना जाता है और इसका व्यास 1 किलोमीटर तक हो सकती है। देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है, तो ये विलयन छिद्र था, घोल रंध्र ये देख लीजिए, ये लंबा हो गया और उससे बड़ा ये डोलाइन है, डोलाइन से बड़ा क्या होगा, ये डोलाइन है और उससे बड़ा युवाला है और सबसे बड़ा कौन होगा तो ये पोलजे होगा, जो पूरा का पूरा एक भ्रंश घाटी की ही तरह निर्मित हो जाएगा। तो पोलजे यह राजकुंड के नाम से भी जाना जाता है, कौन तो पोलजे। यह युवालाज से भी अधिक विस्तृत गर्त होता है और इसकी तली समतल होती है तथा दीवारें खड़ी होती हैं। इसका क्षेत्रफल अनेक वर्ग किलोमीटर तक हो सकता है। पश्चिमी बालकन क्षेत्र का सर्वाधिक विस्तृत पोलजे लिबनो पोलजे है। मतलब इसका नाम क्या है तो पश्चिमी बालकन क्षेत्र के नाम पर है, यानी वहाँ पर क्या है तो सर्वाधिक विस्तृत पोलजे क्या नाम उसका तो लिबनो पोलजे है और इसकी लंबाई 64 किलोमीटर है और चौड़ाई 5 से 11 किलोमीटर है। और पुनार क्या होता है, तो यह भी बड़े आकार के किनारों वाली आकृति है और एक लंबी सुरंग नुमा होती है और चूना पत्थर के क्षेत्र में सिंक माने गड्ढों द्वारा जल प्रवेश होकर आंतरिक भाग में अनेक छिद्र को मिलाकर एक कर देते हैं, कौन तो पुनार। कभी कभी इन छिद्रों में नदियों का विकास हो जाता है और फ्रांस में इस प्रकार की आकृति को क्या कहेंगे उसको तो एवेंस कहेंगे, क्या एवेंस या पुनार। मतलब कहिए कि ये सब जमीन के अंदर की बात हो रही है या कई गुफाओं ये समुद्र के अंदर जमीन के अंदर चलने वाली गुफाएं हैं जो कास्ट टोपोग्राफी में निर्मित होती हैं। और गुफाएं चूना पत्थर के क्षेत्र में वर्षा का कार्बन युक्त जल तथा भूमिगत जल गुफाओं का निर्माण करता है। ये गुफाएं अधिकांशतः जल की घुलनशील क्रिया पर निर्भर करती हैं। यदि जब कभी जल की घुलनशील क्रिया समाप्त हो जाती है तो गुफाओं का निर्माण भी अब बंद हो जाएगा, पानी बहेंगी ना तो गुफा कैसे बनेगा। देखिए कई ऐसे पोनर है और इनके मिलने से क्या बना, एक बाहर बहुत विशालंदर कंधा या गुफा बन गया, क्लियर गुफा। आगे देखते हैं ध्वंसती या निवेशिका। तो ये क्या चीज़ है, तो ध्वंसती या निवेशिका चूना पत्थर के क्षेत्र में घोल क्रिया से चट्टान पर इतने रंध्र विकसित हो जाते हैं कि समस्त भाग एक छलनी की आकृति जैसा हो जाता है। कैसा, तो छलनी की आकृति जैसा। अब नया क्या है, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग प्राकृतिक पुल। तो प्राकृतिक पुल नाम से ही जाहिर है कि पुल कैसा होता है, हम लोग जानते हैं कि पुल कैसा होगा, ऐसा ही ना पुल होगा, नीचे से नदी जाएगी और ऊपर ये पुल है, तो इसी तरह का कोई किनारा होगा कि ऊपर पहाड़ बच जाए और बीच में छिद्र हो जाए उसमें। तो प्राकृतिक पुल क्या होगा, चूना पत्थर के ऐसे क्षेत्र में कार्बन युक्त तथा भूमिगत जल के घुलन क्रिया से अंदर में विस्तृत कंदरा का निर्माण होगा, यानी गुफा का निर्माण होगा, परंतु ऊपर धरातल नहीं धंसेगा यानी छत रह जाएगा। तो क्या होगा, जो एक नेचुरल ब्रिज यानी प्राकृतिक पुल के रूप में दिखाई देगा। इस प्रकार की पुल का निर्माण चूना पत्थर के क्षेत्र में दो प्रकार की चट्टानों के आधार पर होता है, जैसे ऊपर क्या होगा कठोर चट्टान और नीचे चूनायुक्त चट्टान, तो क्या होंगी वो जल के साथ उनका वो घुल जाएंगी और उनका अपरदन हो जाएगा और पहले इस तरह से नदी जाएगी।
फिर धीरे धीरे वो और गहरे होते जाएगी और जहाँ जो ऊपर कठोर चट्टान है वह नहीं कट पाएगी लेकिन उसके नीचे से निकल जाएगी। तो समय के साथ ये इस तरह का देखने को हमें नज़र आएगा। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। अब तक हम लोगों ने अपरदनात्मक रूप से देख लिया कि जल यानी कास्ट टोपोग्राफी में क्या क्या बनते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि अब डिपोजिशन भी तो होगा, इसका निक्षेपण होगा, लेकिन उससे पहले एक देख लेते हैं कास्ट खिड़की। नाम ही खिड़की, मतलब इसमें क्या होगा कि इसमें इस तरह की आकृति का निर्माण क्या होगा कि चूना पत्थर के क्षेत्र में ही होता है और यह विलय रंध्र तथा डोलाइन के ऊपरी भाग के नीचे की ओर धंस जाता है। धंस जाने से बृहद क्षेत्र से होता है और इसका ऊपरी भाग खुला रहता है जिससे भूमिगत जल आसानी से, का मतलब होगा कोई क्षेत्र वहाँ पर इस तरह से अंदर बहुत बड़े बहुत छोटे बहुत सारे छिद्र हो जाएंगे और नीचे क्या होगा सबसे सब अटैच रहेंगे, गुफाएँ रहेंगे। तो क्या ये खिड़की हो गया। अब आगे देखते हैं डिपोजिशनल स्थलाकृति या स्थल रूप, जैसे निक्षेपनात्मक स्थल रूप। तो क्या है इसमें, तो निक्षेपनात्मक कार्य का निर्धारण क्षेत्र विशेष से, जैसे तापक्रम की कमी। अब ये निक्षेपनात्मक कार्य का निर्धारण कैसे होगा कि क्षेत्र विशेष में तापमान यानी टेम्परेचर में कमी, दबाव की कमी, वाष्पीकरण, रासायनिक क्रिया आदि से निर्धारित होता है। निक्षेपण कार्य से निर्मित मुख्य स्थलाकृतियों में क्या क्या होगा ये जमीन के अंदर की बात देखिए, स्टैकलेटाइट और स्टैगनाइट जिसमें जी लगा है, जैसे कि देखिए ये अंदर कंदरा है, उसके अंदर बहुत सारे गुफा होते हैं। एक होगा ऊपर से ही लटक कर नीचे ऐसे आ जाएगा और एक नीचे से ऊपर तक जाएगा, एक पूरा सड़ दे तो अस्तम्भ हो गया। तो जो स्टैगनाइट है यानी ये जी वाला, ये ग्राउंड से ऊपर रहता है। उसी तरह स्टैकलेटाइट ये लटका हुआ है, तो क्या है स्टैलेक्टाइट है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टैलेक्टाइट कभी कभी कंदरा का विकास इतना अधिक हो जाता है कि इसका जल भूमिगत जल से मिल जाता है। मंटली बात कर रहे हैं, ये वो लटकते 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 नीचा स्थल तक चला आएगा, मतलब कि सतह में आके अटैच हो जाएगा और इसका जल भूमिगत जल से मिल जाता है। इसके विपरीत कभी कभी बूंद के रूप में जल नीचे गिरता है और जल में घुले हुए पदार्थों की इतनी मात्रा रहती है कि वह गाढ़ा हो जाता है तथा बूंद के रूप में दिसने लगता है और कंदरा के ऊपरी छत पर लटकता हुआ दिखाई देता है। और लटकते हुए इस भाग को क्या कहेंगे हम लोग, तो इसको कहेंगे वही स्टैलेक्टाइट कहेंगे। ये लटकने वाली बात हो गई। अब इसका दूसरा देखेंगे, ये देख लीजिए ये स्टैलेक्टाइट का एक पिक्चर, इसका चित्र दिया हुआ है। ये सब स्टैलेक्टाइट है और ये जो पूरा अटैच सट गया नीचे तक, ये क्या हो गया, ये अस्तंभ हो गया, यानी ये कंदरा अस्तंभ हो गया लेकिन नहीं सटा, वो है स्टैलेक्टाइट है। इसी तरह नीचे से भी तो ऊपर उठेगा ना, तो ये जमाव से जो होगा तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये है स्टैलेक्टाइट, जी लगेगा इसमें। क्लियर, तो देख लीजिए तो स्टैलेक्टाइट और स्टैमैगमाइट का ये निर्माण है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। अब नीचे वाला ग्राउंड वाला क्या है, स्टैमैगमाइट जो स्टैमैगमाइट का ये उल्टा रूप है। और जब चूनायुक्त तो जल गुफाओं की छत से टपक टपक कर गिरता है तो गुफा की धरती पर इस चूनायुक्त जल से संपूर्ण नमी का वाष्पीकरण हो जाता है और स्तंभ की आकृति में दिखाई देता है। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो स्टैलेक्टाइट कहते हैं। और कंदरा स्तंभ, मतलब वो दोनों आपस में ज्वाइंट हो जाए, यानी स्टैलेक्टाइट तथा स्टैलेक्टाइट के मिलने के फलस्वरूप इसका निर्माण होगा कौन, तो कंदरा स्तंभ। कभी कभी स्टैलेक्टाइट का इतना अधिक विकास हो जाता है कि कंदरा के फर्श तक पहुंच जाता है जिससे कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। अब आगे क्या है ड्रिप स्टोन, ये क्या है ड्रिप स्टोन, तो निक्षेपण की क्रिया में यह एक विशेष प्रकार की आकृति है। कौन, तो ड्रिप स्टोन। जब गुफा की छत से जल दरार के माध्यम से नीचे गिरता है तो गुफा की तली इसमें पर्दे जैसा चूने का स्तंभ निर्मित हो जाता है और जिसे क्या कहेंगे हम लोग, तो ड्रिप स्टोन कहेंगे, पर्दे के जैसे खड़ा हो जाएगा। और आगे देखते हैं कैलिस, तो ये क्या है कैलिस, तो
अर्ध मरुस्थलीय प्रदेशों में भूमिगत जल छोटे छोटे छिद्रों से रिसता हुआ धरातल पर आ जाता है और अपने साथ घुले हुए खनिज पदार्थों को ऊपर लाता है और शेष सब जल का वाष्पीकरण हो जाता है तथा खनिज पदार्थ मलबे के रूप में जम जाते हैं। और दक्षिणी अमेरिका के चिली तथा पेरू में इस प्रकार की आकृतियाँ पाई जाती हैं। क्या नाम है इनका? तो कैलिस महोदय मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रेबटाइन, ट्रेबटाइन क्या है? तो ये पट्टीदार कैलकेरियस, पट्टीदार कैलकेरियस निक्षेप है और कंदरा के मुख पर निक्षेपित ट्रेबटाइन को ट्रफा कहते हैं। कंदरा के अगर मुख पर निक्षेपित जमा हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? तो इस ट्रेबटाइन को क्या कहेंगे? तो ट्रफा कहेंगे। क्या? ट्रफा। ये तो हम लोग क्या देख लिए हम लोग आज, तो हम लोगों ने देखा कि ये कास्ट टोपोग्राफी में किस किस तरह की अस्थलाकृतियों का निर्माण होता है। पहले आकृति हम लोग देखे थे अपरदनात्मक रूप में और अब देखें दूर हम लोग तो निक्षेपात्मक रूप में। तो इसमें मुख्यतः दो होता है, एक होता है स्टैलेक्टाइट जो ऊपर से नीचे की तरफ लटके रहता है यानी ऐसा, और एक होता है दूसरा एक होता है स्टैलेगमाइट जो नीचे से ऊपर की तरफ रहता है, एक कंदरा स्तंभ जो पूरा ज्वाइंट अटैच कर गया। और आगे देखते हैं, और चौथा होता है डीप स्टोन, एक चादर की तरह गुफा की तली में पर्दे जैसा चूना स्तंभ निर्मित हो जाता है, पतला रहेगा। कैलिस होता है अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ पर पानी वाष्पीकरण हो जाते हैं लेकिन खनिज पदार्थ बन जाने से जिसके जमलबा से जो आकृति बनती है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कैलिस कहते हैं। और ट्रेबटाइन ये क्या है? तो ट्रेबटाइन पट्टीदार कैलकेरियस का निक्षेप होता है और जो कंदरा के मुख पर यह निक्षेपित हो जाए तो इसको कहेंगे ट्रेबटाइन का को ट्रफा कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हिमानी अस्थलाकृति, यानी अब हिमानी के द्वारा भी तो कुछ निर्मित होती है, देखते हैं इसको। तो ग्लेशियल टोपोग्राफी, तो अस्थलाकृति ही विकास के वाहकों में हिमानी यानी बर्फ का बात हो रहा है का महत्वपूर्ण योगदान है। आगे बढ़ते हैं। हिम की नदी अन्य कारकों के समान चट्टान का अपरदन करता है और अपरदित पदार्थों का ये परिवहन करता है तथा उनका निक्षेप भी करता है। कौन? ये बर्फ की बात हो रही है और हिमनद के कार्य। अब हिमनद से भी अनेक तरह की आकृतियाँ बनती है, जैसे पहला सामान्यतः हिमनद अपरदन परिवहन तथा निक्षेपण का कार्य अलग अलग क्रियाओं द्वारा करती है, फलतः अलग अलग स्थलाकृतियों का सृजन अथवा निर्माण होता है। और हिम नदी का अपरदनात्मक कार्य अनेक रूपों में संपन्न होता है जिसके तीन इसके प्रमुख कार्य हैं। पहले होगा अपघर्षण, मतलब नाम ही अपघर्षण, यानी छोटे छोटे कंकड़ों की सहायता से ये रगड़न फिसलन एवं किनारों को अपरदित करेगा। जब हम लोग हिम बर्फ चलती है तो धीरे धीरे चलती है, इसके चलने में बहुत समय लगता है, कैसे होगा? अगर बर्फ का मान लीजिए कि पूरा बर्फ इतना चौड़ा बर्फ है तो कैसे चलेगी? इसके ऐसे इसके बीच में अधिक रफ्तार होगी और ये पीछे पीछे स्लो होता चला जाएगा धीरे, तो ये यू आकार की घाटी बनाती है। तो ये अपने साथ इन सब पदार्थों को लेकर चलेगी और ज़मीन में रगड़ते हुए जाएगी और यह मार्ग रेग माल की तरह कार्य करता है। इससे क्या होगा कि एक आकृति बनेगी। दूसरा उत्पाटन, तो उत्पाटन मतलब क्या? इस क्रिया में हिमनद चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़कर उन्हें अपने साथ ले लेगी। और तीसरा है तुषार क्रिया, यानी तापमान इन्वर्जन, यानी तापमान कम और अधिक होने के फलस्वरूप पत्थरों के अंदर पानी का रिसाव होता है और वे जम जाते हैं रात में, और लगातार ऐसी क्रियाओं से पत्थर कमजोर होकर छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित हो जाते हैं। ये हम लोग हिमनद के कार्य देख लिए, ये कैसे कैसे कार्य करेंगे और इनके द्वारा अब अवर्धनात्मक कार्य द्वारा जो स्थल रूप की आकृति बनेगी, जैसे एक नंबर देखते हैं पर्वतीय भागों में घाटी में, पर्वतीय भागों में घाटी हिमनद ऐसी घाटियों से प्रभावित होती हैं जिनके किनारे खड़े ढाल वाली एवं तली उसकी सपाट और चौरस होती है, मतलब वो यू जैसी होंगी। हिम नदी की ये घाटियाँ अंग्रेजी के यू आकार से मिलती हैं, इसी आधार पर इन्हें यू आकार की घाटियाँ कहा जाता है। पर्वतीय उच्च भागों में हिम नदी अपनी कोई नवीन घाटी का स्वयं निर्माण नहीं करती अपितु नदियों द्वारा निर्मित घाटियों को ही परिवर्तित करती हैं, और हिमनद के अपघर्षण एवं उत्पादन की क्रियाओं द्वारा ये घाटियाँ कटकर चौड़ी हो जाती है एवं किनारे लंबवत यानी लंबे हो जाते हैं। और घाटी की तली कैसे होगी? तो सपाट और चौड़ी हो जाएगी, तब क्या होगा? तो उदाहरण देखते हैं कुछ इस तरह की वगैरह घाटी। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में योसेमाइट घाटी, क्या नाम है? संयुक्त राज्य अमेरिका में योसेमाइट घाटी।
और लटकती या निलंबित घाटी, ये भी हिमनद के उदाहरण हैं। जैसे जब हिमनद की मुख्य घाटी के तल में तल से उसमें मिलने वाली सहायक घाटियों के तल अधिक ऊंचे हो जाएंगे, जैसे ये मुख्य नदी है हिमनद और इसमें जो साइड से जो मिल रहा है इसका हाइट ऊंचा हो गया, अब क्या होगा, तो सहायक घाटी या मुख्य घाटी पर लगेगा जैसे कि वो लटक रही है, प्रतीत होती है। इसी कारण है क्या कहेंगे हम लोग, तो लटकती घाटियाँ कहेंगे। और हुई घाटिया या निम्बित निलंबित ऊपर लिखा है, नीचे लिख दिया निम्बित घाटी या बहिर्लंबी घाटी कहते हैं। इनका निर्माण हिमानी क्रिया से होता है और हिम के पिघलते जाने पर जब इन लटकती घाटियों से जल निकल निचली घाटी में गिरता है तो प्रपात यानी झरने का निर्माण होता है। इस कारण लटकती हुई घाटी को प्रपाती घाटियाँ भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे सर्क या हिम गह्वर ये क्या है, तो पर्वतीय क्षेत्रों में घाटी हिमनद द्वारा उत्पन्न स्थल रूपों से सर्क सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्क हिमनद की घाटी के शीर्ष भाग पर अर्धचंद्राकार या कटोरे के आकार का विशाल गहरा गर्त होता है और सर्क निर्माण रोटेशन स्लिप संकल्पना से संबंधित है और इसकी संरचना अर्थगोल रंगमंच या कुर्सी नुमा के समान होती है। कौन, तो सर्क या हिम गह्वर। तो देख लीजिए यहाँ पर ये वर्ग झुंड है, मतलब यही सर्क की लटकती हुई घाटी है, ये ऊपर लटक रहा है नीचे और हिम नदी में प्रवाह की दिशा ये नीचे की तरफ नहीं, हिम धीरे धीरे प्रवाह करेगी और सर्क तथा उसके विभिन्न अंग, तो ये कुल क्या है सर्क, ये भी क्या है सर्क का ही उदाहरण है, मतलब ये अर्धचंद्र जैसा होगा। और सर्क के निर्माण में विभिन्न भूगोल वेताओं जैसे जॉनसन, याद कीजिए इनका नाम, जॉनसन गारवुड हाउस लेविस के विचार उल्लेखनीय हैं। जॉनसन का वर्ग झुंड सिद्धांत विशेष माननीय है, तो इसमें सर्क से कौन संबंधित है सर्वमान, क्वेश्चन आएगा तो जॉनसन, उन्होंने क्या दिया तो वर्ग झुंड का सिद्धांत। और सर्क वह स्थलाकृति है जो हिमानी के स्रोत क्षेत्र में विकसित होती है और जिसके धंसे हुए भाग में हिम झील होती है और हिम इसी हिम झील से हिमानी आरंभ होगा। हिम गह्वर का पर्वतीय ढाल अत्यंत ही तीव्र होता है और इसके दो प्रकार हैं, शीर्ष में तुषार क्रिया होगी, मतलब दिन में वो पानी होगा और रात में पाला गिरेगा और वो जम जाएगी। दूसरा, तुषार क्रिया से टूटते हुए चट्टान पर्वतीय ढाल पर अपघर्षण यानी जब गिरेंगे तो घर्षण करेंगे तो भी तोड़ेंगे, जिससे ढाल तीव्र हो जाता है और इस प्रक्रिया से न केवल ढाल तीव्र होते हैं वरन हिम गह्वर का फैलाव होता रहता है एवं अपर्दित पदार्थ हिम गह्वर के अंग में निक्षेपित होते हैं। अतः पर्वतीय ढाल अपघर्षण के कारण कटान एवं अग्रभाग पर निक्षेप के कारण बेसिन नुमा स्थलाकृति विकसित होती है और जिसमें सदैव हिम यानी बर्फ भरे रहते हैं, इसी को बेसिन सर्क या गह्वर कहते हैं। हिम गह्वर में हिमनद पिघलने पर पानी भर जाता है तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, तो सर्क से जो झील बनेगी उसको क्या नाम देंगे, तो गिरी तल या टर्न कहा जाएगा। क्लियर है। अब सर्क के भाग, जब सर्क है जिसके कुछ भाग होंगे, जैसे इसके मुख्य तीन भाग हैं, एक शीर्ष दीवार होगा, एक उसका बेसिन होगा और एक चौखटा होगा। देखते हैं सर्क दीवार, यह सर्क की बेसिन से ऊपर की ओर लंबवत होती हुई दीवार होगी। दीवार 2000 से 3000 फीट तक ऊंची होती है और इसका निर्माण हिम नदी के अपर्जन द्वारा होता है। और बेसिन सर्क का दूसरा भाग बेसिन के रूप में होता है, यह सर्क की तली को प्रदर्शित करता है। और चौखटा क्या है, यह सर्क नीचे की ओर जहाँ समाप्त हो जाता है तो उससे सर्क का ये चौखटा है, मतलब यह क्षेत्र यह समाप्त हो गया, मतलब क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं टर्न, ये टर्न क्या है, तो सर्क की बेसिन में हिम अधिक हिम के दबाव तथा गहराई के कारण चट्टानी तल से अपर्दन द्वारा गड्ढे बन जाते हैं। जब हिम नदी पिघल कर पानी बन जाती है, हिम नदी बर्फ है तो पानी बनेगी, तो इस गड्ढे में पानी भर जाएगा, तो इसे ही हम टर्न या रॉक बेसिन कहेंगे, क्योंकि पहाड़ पर बेसिन है उसमें पानी है। उदाहरण फिंगर एक कहाँ है, तो फिनलैंड, और किसको कहा जाता है, लाखों झीलों की भूमि तो वही है फिनलैंड। और एक और आगे देखते हैं, तो अरेत या तीक्ष्ण कटक या कौल ये क्या है, तो यदि किसी कटक या लंबे पर्वत के दोनों ढाल पर हिम गह्वर का विकास हो तो उस पर्वतीय ढाल पर दोनों ही ओर से पर्वतीय शीर्ष पर वो खिसकते हैं, दोनों ही ओर से घिसक जाएंगे, इसे कटक का रेखीय शीर्ष पतला एवं नुकीला हो जाएगा। कटक में पतला नुकीला हो गया जो निकटवर्ती सड़कों के बीच क्या होगा, विकसित होगा, तो जो नुकीला भाग क्या उसे अरेत कहेंगे।
और अरेत वे तीक्ष्ण कटक हैं जो निकटवर्ती सड़कों के बीच विकसित होते हैं। यदि टूटे हुए भाग हिम प्रभाव क्षेत्र में तुलनात्मक दृष्टि से कम ऊंचाई के हो तो उसे हम लोग कोल कहेंगे। क्या नाम है उसका? कोल। और हॉर्न या गिरीश्रृंग, यही देख लीजिए ऊपर हॉर्न क्या है, उसका चोटी है, दोनों तरफ इसके सर्क होंगे। तो हॉर्न या गिरीश्रृंग मतलब जब किसी पहाड़ी के पार्श्वों पर अनेक सर्क बन जाते हैं तब जब निरंतर अपघर्षण द्वारा ये पीछे हटते हैं तो उनके मिल जाने पर पिरामिड के आकार की एक चोटी का निर्माण होता है। तो उसे क्या, उसे हॉर्न या गिरीश्रृंग कहते हैं। उदाहरण के लिए मेटर हॉर्न पीक कहाँ है, तो ये स्विट्जरलैंड में है। और नुनाटक ये भी हिमानी द्वारा ही अपरदनात्मक रूप है। तो विस्तृत हिम क्षेत्र में हिमनदों के बीच ऊंचे उठे टीले जो कि चारों ओर से हिम से घिरे रहते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो नुनाटक कहे जाते हैं। ये द्वीप के समान बिखरे हुए नजर आते हैं, इसी कारण इन्हें हम हिमांतर द्वीप भी कहा जाता है। इसी कारण इन्हें हिमांतर द्वीप भी कहा जाता है। और ये हिमनदीय प्रक्रिया द्वारा निर्मित होते हैं। कौन? तो नुनाटक। और हिमनद द्वारा क्षैतिज अपरदन के फलस्वरूप तथा तुषार क्रिया द्वारा अपरदित होकर अधिक छोटे हो जाते हैं एवं कभी कभी अवशेष शैल मात्र ये रह जाते हैं। कौन? तो ये नुनाटक की बात हो रही है। और श्रृंग एवं पुच्छ ये क्या है, जब किसी हिम प्रभावित स्थल भाग में बेसाल्ट या ज्वालामुखी प्लग ऊपर गांठ के रूप में निकल जाता है, ये गांठ निकल गया है, और जिस ओर से हिमनद आती है उस ओर प्लग या बेसाल्ट के उठे भाग पर स्थित मुलायम मिट्टी का अपरदन हो जाएगा, होने से अपरदन हो जाता है तथा ढाल से होकर हिमनद तथा बेसाल्ट के उठे भाग या प्लग को पार करके दूसरी ओर उतरने लगेंगे। अब तो क्या होगा, तो प्लग के संचयन दूसरी ओर मुलायम सेल का कम अपरदन होगा, और इसके इस ओर कम होगा लेकिन इधर ज़्यादा होगा अपरदन। इसी कारण से दूसरी ओर का ढाल हल्का मंद अपरदन होता है, तो इधर हल्का अपरदित होगा, ये मंद ढाल रहेगा। यह श्रृंग मतलब यह हल्का ढाल दूर तक विस्तृत रहता है तथा देखने में बेसाल्ट का ग्रीवा या श्रृंग के पीछे संलग्न एक लंबी पूंछ के समान लगता है। इस तरह के बेसाल्ट या प्लग वाले ऊंचे भाग को श्रृंग एवं उसके पीछे वाले भाग को क्या कहेंगे, तो पूंछ कहेंगे। देख लीजिए हिम के प्रवाह, तो हिम का इसी तरह प्रवाह हो रहा है लेकिन बीच में ये चट्टान आ गया था, तो क्या हो, इसका इधर ये अपरदन किया तो इधर करा अपरदन कर दिया, काट छाट दिया, लेकिन ये बर्फ का तो प्रवाह ऐसे हो गया हिम की इस दिशा में। यहाँ पर देखिए लंबा प्रवाह है, ये लंबी ये कम ढाल है और इधर एक खड़ा ढाल हो गया, तो ये श्रृंग हो गया खड़ा ढाल और लंबा पूंछ है, तो क्या कहेंगे, उसको पूंछ कहेंगे। और भेड़ पीठिया रस मुतोनी ये क्या है, तो यह एक विशिष्ट पहाड़ी स्थलाकृति है। कौन? तो भेड़फीट, जो हिमानी के मध्य विकसित होती है। यदि किसी हिमानी के मध्य पहाड़ी नुमा आकृति हो या हिमानी उस टीले के ऊपर चढ़ने का प्रयास करती हो, हिमानी पर पहाड़ी टीला पर चढ़ रही है, तो उस क्रम में उस पहाड़ी टीले का अपघर्षण होगा, वो घसाएगी, तो उसकी सतह क्या होगी, एकदम चिकनी हो जाएगी, इसी बहुत लगेगा जैसे भेड़ बैठा हुआ है। लेकिन जब हिम पहाड़ी के शीर्ष पर आ जाता है तो दूसरी ढाल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण वो तेजी से नीचे उतर जाता है, इसी कारण से चट्टानों पर दबाव पड़ता है और टूटने लगता है। अतः हिमानी के नीचे के टीले के एक ओर अपघर्षित ढाल तथा दूसरी ओर ऊबर खाबर ढाल विकसित हो जाएंगे, मतलब जिधर उतरेगा वो चिकना रहेगा, चढ़ेगा वो ऊबर खाबर रहेगा। और ऐसी आकृति को क्या कहेंगे, तो रस मुतोनी कहते हैं। और हिम सोपान ये क्या है, नाम ही सोपान है, सीढ़ी जैसा होगा, तो वृद्धाकार रूप के कारण सोपानों को दैत्याकार सोपान कहते हैं। प्रत्येक सोपान की लंबाई अनेक किलोमीटर तक तथा जब हिमनद के मार्ग में भ्रंश यानी फॉल्ट के कारण मुख्य रूप से सोपान कार भ्रंश अनेक कगार बन जाते हैं तो इनसे होकर उतरता हुआ हिमनद सोपानों का निर्माण अपघर्षण उत्पाटन क्रिया द्वारा पद या आधार पर होता है। इस कारण से ये लंबवत बन जाते हैं। हिम सोपानों के क्लिक के पास सिरे गहरे होंगे, हिम के पिघल जाने पर इन गर्तों में क्या होगा, तो पानी जमा हो जाएगा तथा छोटी छोटी झीलों का निर्माण होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, तो पैटर मास्टर या झीलमाला कहेंगे, तो उसको क्या, तो पैटर मास्टर। ये देख लीजिए यह सीढ़ी की तरह है, सीढ़ी की तरह बन गया, लेकिन इसके जहाँ जहाँ एक कोने दोनों ज्वाइंट है यहाँ पर अधिक अपरदन होगा,
पानी गिरेगी जोर से, जब जो बर्फ भी, तो क्या होगा यहाँ पर गड्ढा हो जाएगा, ये झील होंगे, तो ये हिमसोपान है और इसमें हिमनद का प्रवाह ऊपर से नीचे की तरफ हो रहा है और बीच में जो झील बन गया उसको क्या कहेंगे, तो पैटर नास्टर झील कहेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग कि निक्षेपणात्मक स्थल रूप, तो ये क्या होता है, तो हिमनद द्वारा परिवहन किए जाने वाले शिलाखंड, कंकर पत्थर, मिट्टी सम्मिलित रूप से क्या कहलाए, ड्रिफ्ट कहलाएंगे, और अस्तरीय ड्रिफ्ट को क्या कहेंगे हम लोग, तो टील कहा जाता है, अस्तरीय ड्रिफ्ट तो टील, और टील में क्या होंगे, तो टील को बाउल्डर क्ले या गुलास में मृतिका भी कहेंगे, मतलब ये गोला होगा, समान समझिए बात में। अब क्या करेगा ये, जैसे हिमोठ जब ग्लेशियर ड्रिफ्ट कटक के रूप में, हिमोठ है मैंने बर्फ, जब ग्लेशियर ड्रिफ्ट या कटक के रूप में निक्षेपित हो जाती है तो इससे बनी संरचना हिमोठ कहलाती है, मतलब जल द्वारा लाए तो जलोढ़, हिम द्वारा लाए तो हिमोठ, तो हिमोठ के बनने के स्थान के आधार पर हिमोठ के निम्न प्रकार हैं, जैसे तल स्थल हिमोठ, यानी ये फुट हिल्स में बना तो क्या कहलाया, तल स्थल हिमोठ, जैसे हिम नद के आधार पर एकत्रित, अग्रतांस्थ हिमोठ, मतलब हिम नद के अंतिम सिरे पर एकत्रित, लास्ट इसके आगे नहीं है, पतिसारी हिमोठ, मतलब जब हिमनद रुक रुक कर पीछे हटे तो क्या कहेगा वो, अग्रात अस्त हिमोठ एक के पीछे एक बनते जाते हैं, और पार्श्विक हिमोठ, मतलब हिमनद के पार्श्व में एकत्रित, तो हिमनद के नज़दीक तो उसका नाम क्या होगा, पार्श्विक हिमोठ, और मध्यस्थ हिमोठ, मतलब जब दो हिमनद परस्पर मिल रहे, एक इधर है एक इधर है, बीच में क्या होगा, मध्यस्थ हिमोठ का निर्माण होगा, मध्यस्थ हिमोठ में सहायक हिमनद सबसे ज़्यादा योगदान करेंगे, और ड्रमलिन ये क्या है, तो ये हिमनदों द्वारा निक्षेपित उल्टी नाव, जैसे कि नाव इस हम लोग नाव देखते हैं तो नाव ऐसा नहीं रहता है, लेकिन मान लीजिए कि नाव पलट जाए तो कैसा होगा, ऐसा होगा, उल्टी नाव या कटे हुए उल्टे अंडे की भांति संरचना होती है तथा अंडे की टोकरी की स्थलाकृति का निर्माण करती है, ड्रमलिन तथा रास मुतोनी की आकृति एक दूसरे के विपरीत होती है, तो ये क्या है, यह टील बन गया, ये हिमनद के प्रवाह की दिशा है, आधार ये ड्रमलिन है। आगे बढ़ते हैं, अब आगे देखेंगे हम लोग एस्कर, ये भी हिमनद ही है, ये भी हिमनद द्वारा निर्मित स्थलाकृति है, तो एस्कर मतलब हिमनद जलोढ़ निक्षेप द्वारा निर्मित बालू के लंबे संकीर्ण और तरंगित कटक होते हैं, एस्कर सड़क एवं रेल यातायात की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, कभी कभी ये मालाकार भी दिखाई देते हैं, इसे माला जैसे बन जाए, ये हिम एस्कर का रूप, जैसे देखिए ये हिमोड है जो बालू ला रही, यहाँ पर जमा कर दीजिए, लंबा बन गया, तट बन गया। अब आगे क्या पढ़ना है हम लोग को, तो केम, ये भी हिमनद द्वारा ही एक स्थलाकृति है, जैसे इसमें क्या होगा, तो केम हिमनद के सीमांत पर, मतलब उसके लास्ट पॉइंट है, सीमांत मतलब क्या, जहाँ वो खत्म हो रहा है, पर एकत्रित टील के ढेर के ये अंतिम मोरेन मिलते जुलते हैं, मत परंतु इनका निक्षेप हिमानी के तल में बहने का कंटिल या केतली हिमनद के बड़े टुकड़े के पिघल जाने पर बने गर्त तथा बचे हुए टीले यानी हुमुक कहलाते हैं, मतलब समझ में आया नहीं आया, लेकिन याद कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। हिमनद निक्षेप या संदूर, ये क्या है, तो हिमनद का पिघला जल जब अंतिम हिमोड को पार करके एक विस्तृत क्षेत्र में फैल कर टील को निक्षेपित कर दे, तो ऐसे निक्षेप क्या कहलाएंगे, तो हिमनद कहलाते हैं, हिमनद निक्षेप या संदूर हिमनद, मतलब लास्ट स्थिति है, मतलब कि हिमोड द्वारा, मतलब बर्फ के द्वारा जो क्षेत्र, जो वो तत्व या जो एलिमेंट, मतलब कि बालू पत्थर कंकर ले जाए जाएँ, उसको अंतिम क्षेत्र में जमा कर दिया, नीचे फैला दिया गया, मतलब वो हिम के मैदान हो गया, तो वो क्या कहेगा, वही निक्षेप हिमनद कहलाते हैं, क्लियर है। अब इसका क्या पढ़ना है, नदीय स्थलाकृति, तो शुरू करते हैं, इसमें क्या है, तो रिवर टोपोग्राफी, तो देखते हैं कि नदियाँ प्रायः तीन प्रकार से कार्य करती हैं, कौन कौन करेंगी, जो सब कोई करे वो भी यही करेगी कि ये अपर्जन करेगी, परिवहन करेगी और निक्षेपण का कार्य करेगी और आदि के माध्यम से विभिन्न स्थलाकृतियों का ये निर्माण करती है। नदी के अपर्दन कार्य को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, ढाल प्रवणता, जल की मात्रा,
धरातल की संरचना तथा प्रवाहित तलछट की प्रकृति व मात्रा प्रभावित करते हैं। हमें लगता है कि इतना आप लोग समझ जाएंगे जाते होंगे, अतः इसको बताने की कोई आवश्यकता अब नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगर जहाँ अपरदन होगा तो वहाँ क्या बनेगी, हिमनद क्या बनाती थी वो यू आकार की घाटी, लेकिन जल है ये तेज चलेगी तो क्या बनेगी ये भी आकार की घाटी बनाएगी। तो देखते हैं भी आकार की घाटी, तो इसमें नदी द्वारा अपनी घाटी का लंबवत अपरदन एकदम डायरेक्ट नीचे तक जा रहा है करके घाटी आरी के समान गहरी कर दी जाती है, और भी आकार की घाटी नदी अपरदन चक्र की तरुणा अवस्था मतलब ये आरंभिक अवस्था में शुरू होती है, यानी ये पर्वतीय क्षेत्र में जहाँ से नदी आरंभ होती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की मात्रा मान लीजिए कि कम हो लेकिन उसकी रफ्तार अधिक होती है। यह पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है और हिम नदी क्षेत्र में भी आकार की घाटी नहीं है, जहाँ बर्फ है वहाँ ये भी आकार की घाटी नहीं, वहाँ यू आकार की घाटी होगी, यानी वहाँ बर्फ है। और गार्जिया महाखंड ये क्या है, यह बहुत गहरी घाटी है, इसकी दीवारों का ढाल लगभग समकोण 90 डिग्री पर होगा, मतलब दो इसमें नीचे नदी बह रही है। दिखाई देते हैं जैसे उदाहरण सिंधु सतलज एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ क्या करेंगे गार्ज का निर्माण करती हैं, और कैनियन या गंभीर खड्डे क्या है, तो गार्ज का गहन एवं विस्तृत रूप ही कैनियन कहलाता है, और कैनियन गार्ज की तुलना में अधिक गहरी एवं संकीर्ण होती है। कैनियन गार्ज की तुलना में क्या हो, अधिक गहरी होगी लेकिन पतली होगी, गार्ज चौड़ी होगी। संयुक्त राज्य अमेरिका में कोलोराडो नदी का की ग्रैंड कैनियन विश्व भर में प्रसिद्ध है, जो हम टीवी या डिस्कवरी में देखते हैं वही ग्रैंड कैनियन दिखलाता है। जलप्रपात देख लीजिए, यही जलप्रपात इसी तरह गिरती है, पानी नीचे की तरफ आती है, तो क्या होगा इसमें, नदियों का जल जब अधिक ऊंचाई से तीव्र ढाल के रूप में ऊपरी भाग से के सहारे नीचे की तरफ गिरता है, ये तो हर कोई जानता है, इसमें क्या होगा, तब उस लंबवत गिरते पानी को क्या कहेंगे, तो जलप्रपात कहा जाता है। और यही उसका क्रम देखिए, सबसे ऊपर क्या कठोर चट्टान है तभी ना जलप्रपात बनेगा, तो यहाँ पर कठोर चट्टान है लेकिन उस अपेक्षा के नीचे मुलायम चट्टान है तो उनका ये उनका कटाव कर देगी और ये नीचे इसी तरह गिरती है। तो इसका स्टेप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप है, तो देखते हैं। जलप्रपात का निर्माण नदी के मार्ग में पड़ने वाली कोमल और कठोर चट्टानों के स्तर के फलस्वरूप होता है। लटकते पर्वत प्रक्षेप नदी पर्वत प्रदेश में अत्यधिक टेढ़ा मेढ़ा मार्ग बनाकर चलती है, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में नीचे के ढाल एवं पर्वत प्रक्षेप का विस्तार आपस में गुथा रहता है। तब क्या होगा, और नदी की घाटी में खड़े होकर अगर कोई ऊंचाई देखने से ऐसे प्रक्षेप देखे जा सकते हैं, मतलब कि ये ऊपर से देखने को नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि ये नीचे से देखने को मिलते हैं। अब ऐसा क्यों, क्योंकि मान लीजिए ऊपर से कोई देखेगा तो ये पर्वत ऐसा है, मान इसी तरह की घाटी है तो ऊपर से देखने वाला तो इसी तरह देख पाएगा, लेकिन जो नीचे से देखेगा वो देखेगा कि घटा हुआ है बाहर आगे पीछे या कटा फटा लग रहा है। दूसरा है जल गर्तिकाएँ, तो ये क्या होती हैं, तो नदी की तली से में विभिन्न तत्व होने के कारण और उनके पानी में घुलकर बह जाने के कारण छोटे छोटे गर्त बन जाते हैं, गर्त ये मतलब गड्ढा, इन गर्तों के कारण पानी में भंवर पड़ने लगते हैं और भंवर के साथ साथ चट्टानों के टुकड़े जो नदी के साथ प्रवाहित होते हैं चक्कर लगाने लगते हैं, जिससे गर्तों का आकार बड़ा होने लगता है, जब बड़ा हो गया जिससे गर्तों या अवनमन कुंडों का निर्माण होता है, और संरचनात्मक सोपान हमने हिम में भी देखे थे कि वो भी सोपान की क्रिया उस तरह की स्थलाकृति बनाती है और जल भी बनाते हैं, देख लीजिए सोपान यानी सीढ़ी जैसा आकृति, पहले नदी ये ऊपर रही होगी इतना, मतलब पहले नदी यहाँ पर बह रही होगी उसमें इतना ही मान लीजिए पतला रहा होगा इस तरह, लेकिन समय के साथ नदी नीचे जाती गई, और जब नीचे जाती गई तो साथ साथ इसका कटाव अपने पार्श्वों या किनारों पर भी होता गया, तो जहाँ जहाँ कठोर चट्टान आए वो तो कम कटे लेकिन जब मुलायम चट्टान आए वो एकदम सीधा ढाल बन गया, उनका अच्छा ढाल बना, और कठोर चट्टान थे वो उनको नदियों ने खड़ी ढाल के रूप में काटा, तो इस तरह क्या हुआ, तो इस तरह से संरचनात्मक सोपान के रूप में ये नदी घाटी का निर्माण हो गया। अब नदी विसर्ग क्या होगा, मतलब विसर्ग मतलब क्या, वो टेढ़ा मेढ़ा, तो देखते हैं नदी विसर्ग, जब नदी अब प्रौढ़ावस्था में चली गई है बूढ़ी हो गई, तो नदी पहाड़ी भाग में पहाड़ी भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करेगी, उसमें लंबवत कटाव की अपेक्षा पार्श्विक कटाव या क्षैतिज कटाव अधिक सक्रिय हो जाएगा,
इस क्रिया से नदी घाटी क्या होगा, वो गहरी होने लगी अपेक्षा क्या होगी, अब ये चौड़ी हो जाएगी, यानी अब धीरे धीरे चलेगी तो नीचे तक कटाव कम होगा लेकिन ये आसपास फैल जाएगी। ऐसी स्थिति में नदी अपने मार्ग को अब गति प्रदान करने के लिए क्या करेंगी, तो सर्पाकार रूप में बनाना आरंभ कर देंगी। इससे नदी के मार्ग में अनेक मोड़ पड़ जाएंगे। नदी के मार्ग में इन अर्धवृत्ताकार मोड़ों को क्या, तो विसर्प कहा जाएगा। और इस नदी का पानी सीधा आकर किनारे से टकराता है, क्योंकि तो टेढ़ा मेढ़ा है तो पानी थोड़े टेढ़ा मेढ़ा चलेगी। सॉरी, ये नदी पहले ऐसी थी लेकिन जब ये मैदानी क्षेत्र में आएगी तब क्या होगा, इस तरह ऐसे ऐसे और अंत में और टेढ़ी हो जाएगी। ये नदी का ये मार्ग है, तो क्या होगा, कुछ दिन यहाँ से छूट जाएगा और नदी पुनः पहले अपने वापस में कारण ये दोनों इतना फैलेगा कि दोनों मिल जाएंगे नदी ये और ये, और लोग आगे पढ़ेंगे गोखुर झील का निर्माण होगा। तो देखते हैं, जब नदी का पानी सीधा आकर किनारे से टकराता है तो उस ओर खड़े ढाल का निर्माण होगा जिसे टकरा गया, उसे क्या कहेंगे, उसे कॉट बैंक कहा जाएगा। क्या, कॉट बैंक, क्योंकि उधर वो काट दिया। जैसे ये नदी है इस तरह से इसका विसर्प हो गया, तो क्या होगा, नदी का जब पानी जाएगा फ्लो तो इस तरह है तो इधर ये कटाव करेगी और इधर ये डिपोजिट करेगी, तो यही कॉट बैंक है। इसके विपरीत दूसरा किनारा उनोत्तर ढाल वाला होता है, क्योंकि इस किनारे पर अपर्दन के स्थान पर यहाँ जमा होगा यानी डिपोजिट होगा, इसे विस्तारित ढाल कहा जाता है। नदी विसर्प आंशिक रूप से निक्षेप व अधिकांश रूप से क्षैतिज अपर्दन तथा लंबवत अपर्दन का परिणाम होते हैं। और तीसरा लास्ट स्टेज की गोखुर झील भी किया है, तो हम लोग पहले पिक्चर में देख चुके हैं, जब नदी अधिक से अधिक टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी तो गोखुर झील का निर्माण करेंगी। जब अत्यधिक घुमावदार मार्ग के कारण विसर्प का एक भाग कटकर अलग हो जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप नदी सीधा मार्ग ग्रहण कर लेती है। ऐसे कटे हुए भाग क्या कहलाएंगे, तो गोखुर झील कहलाते हैं। और नदी के या नदियों के अब परिवहन कार्य, मतलब वो अभी परिवहन नदी चलती है तो देखते क्या क्या होगा इसमें, तो नदी के परिवहन शक्ति पानी है जब जा रही है इसमें तो काइनेटिक एनर्जी है, हम लोग जानते हैं कि इसी के द्वारा बिजली का उत्पादन होता है, तो नदी अपने साथ भी तो कुछ करेंगी, तो क्या होगा, नदी की परिवहन शक्ति पानी की मात्रा, बोझ का आकार, वेग या ढाल प्रवणता पर निर्भर करता है। मतलब उसमें नदी में परिवहन शक्ति, उसकी पानी कितना है, उसमें कितने सारे उसमें मलबे या कंकड़ पत्थर और मिट्टी मिले हुए हैं, इसका वेग या ढाल, मतलब ढाल जिस तरह का है, अधिक ढाल है तो वेग अधिक, कम ढाल है तो कम वेग होगा, इस पर निर्भर करता है। इसमें गिलबर्ट, याद कर लीजिए नाम, क्या, गिलबर्ट, गिलबर्ट ने बताया कि नदी के वेग को दोगुना करने पर नदी की परिवहन शक्ति 64 गुना अधिक हो जाएगी। दोगुना वेग होगा तो उसकी परिवहन शक्ति 64 टाइम्स बढ़ जाएगी। इस सिद्धांत को गिलबर्ट का छठा शक्ति सिद्धांत कहा जाता है। क्या, ये छठा शक्ति सिद्धांत है। लुढ़कना, इसमें क्या होगा, इससे कंकड़ पत्थर आदि नदी की तली से रगड़ते हुए आगे चलते हैं। और उत्परिवर्तन, इसमें नदी में अपर्दन लोड तली में उछलता कूदता आगे बढ़ता रहता है, किसमें, तो लुढ़कते में होगा। और लंबन, मतलब इसमें अपर्दित पदार्थ नदी के पानी के साथ साथ बीच में निलंबित अवस्था में आगे चलते हैं। और एक है घोलीकरण, ये क्या है, ये चट्टान है पास में उसे टकराया गया, अगर चूना का पत्थर का चट्टान है तो वो घुल जाएगा, तो क्या होगा, इसमें शैल चट्टान जल में घुल कर जल के साथ परिवहन करने लगेंगे। अब हम लोगों ने अपर्दन देख लिया, नदी का परिवहन देख लिया, अब क्या देखेंगे हम लोग, निक्षेपनात्मक, यानी अब ये जमाव करेंगी, तो क्या होगा, पहले क्या करेंगी, वो प्राकृतिक तटबंध का निर्माण कर देंगी। नदी के दोनों किनारों पर बाढ़ के समय मिट्टियों के जमाव द्वारा लंबे तथा कम ऊंचाई के कारकों का निर्माण हो जाता है जिसे प्राकृतिक तटबंध का, ये नदी है और देखिए दोनों तटबंध बना दिए। जब ये तटबंध टूटते हैं तो बाढ़ द्वारा अत्यधिक विनाश होता है, जैसे चीन की हुआंगहो नदी, बिहार की कोसी नदी, ये प्राकृतिक तटबंध का उदाहरण है। दूसरा, नदी का डेल्टा, मतलब डेल्टा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोट्स ने नील नदी के लिए, नील नदी के निक्षेपित मैदान के लिए किया था, कौन, तो हेरोडोट्स का नाम आता है। और नदी निक्षेप के लिए विस्तृत एवं उचित सागर तल, झील तल होना चाहिए। ये नदी निक्षेप के लिए एक आवश्यक है, क्या कि एक उचित सागर, मतलब समान मैदान का एक क्षेत्र हो, समान समतल हो, या झील का तल, मतलब कि कुल मिलाकर कहा जाए कि वो जो तल हो वो बराबर हो, प्लेन हो,
और नदी का आकार तथा आयतन, मतलब नदी बड़ी होगी तब ना उसके साथ उसमें मलबे आएंगे यानी मिट्टी या जलोढ़ के रूप में कुछ सामान आएगा, और उसमें पानी की मात्रा भी अधिक होगी तब ना वो अधिक से अधिक मलबे या अधिक से अधिक मात्रा में जल में मिलने वाले कंकड़ पत्थर को अपने साथ लाएंगे। और मुहाने के पास ज्वार तरंगे और लहरों आदि का वेग कम हो, अगर जो उसके मुहाने पर जो नदी का मान लीजिए नदी यहाँ पर गिर रही है यहाँ पर खूब अधिक तेज ज्वार बहेगा तो क्या वो अपने साथ जो नदी के द्वारा लाए गए वो जलोढ़ पंख है मिट्टी है निक्षेप है उनको अपने साथ वो बहाकर कहीं दूर ले जाएगी। इसलिए ज्वार और लहरी तरंगों आदि का वेग कम होना चाहिए ताकि जमाव में अवरोध पैदा न हो और सागरीय तट पर निमज्जन क्रिया न हो, ऐसा न हो कि नदी अपने साथ जो सामान लाए हैं यहाँ पर निक्षेपात्मक पदार्थ है वो यहाँ ला रहे हैं और यहाँ पर निमज्जन यानी यहाँ का तल ही नीचे की तरफ जा रहा हो तो भी नहीं हो पाएगा। अब आगे देखते हैं नदी डेल्टा के प्रकार। नदी भी होती हैं तो इसकी डेल्टा होते हैं और ये भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे एक होगा चापाकार डेल्टा। मतलब चापाकार मतलब क्या, हम लोग बचपन में पढ़ते थे तो परकाल था तो परकाल से पकड़ के चित्र बनाते उसको कैसे करेंगे वो पेंसिल लगाकर ये ऐसे यही चाप हो गया, मतलब पूरा होगा तो गोला होगा लेकिन ये आधा चापकार है, ये क्या चापाकार डेल्टा। ये चाप या धनुष के समान होते हैं, इस प्रकार के डेल्टा सामान्य होते हैं और प्राय इसी प्रकार का डेल्टा बनती है, यानी जैसे गंगा नदी का डेल्टा देख लीजिए इसी चापकार डेल्टा है। इसका विस्तार बीच में अधिक होगा, नदी है यही ना मुख्य नदी है इसके बहुत सारे विवर्तित निकाय बट गई हैं तो ऐसी देखिए सॉरी कहाँ गया ये बीच में यही ना बीच पॉइंट है बीच में अधिक आगे मुँह भाग गया है और किनारों पर छोटा है। तो चापकार इसका निर्माण नदी द्वारा उस समय होता है जब नदी की मुख्य धारा पदार्थों का नीचे बीच में अधिक करती है ताकि बीच का भाग आगे निकलता रहे निकला रहे और किनारे के भाग सौकने हो जाए। उदाहरण के लिए नील नदी का डेल्टा गंगा राइन नाइजर लीना वोल्गा तथा सिंध है डेल्टा। अब आगे देखते हैं एक है पंजानुमा डेल्टा, ये भी महत्वपूर्ण है पंजा की तरह। इस प्रकार के डेल्टा की आकृति पक्षी के पंजे की तरह होती है, यह डेल्टा मुहाने के समुद्र में विकसित होता है, डेल्टा की धाराओं के मध्य समुद्री जल बहता है और इस प्रकार के डेल्टा के मध्य में समुद्री जल आ रहा है अंदर। इस प्रकार के डेल्टा का निर्माण बहुत बारीक कणों जिसमें चूने की मात्रा अधिक होती है से होता है। सागर के खारे पानी के संपर्क में आने से नदी द्वारा लाए गए पदार्थ भारी होकर निक्षेपित यानी नीचे बैठना शुरू कर देते हैं और इसका प्रमुख उदाहरण कौन है तो मिसिसिपी नदी का डेल्टा, ये पंजानुमा डेल्टा का उदाहरण है। और प्रगतिशील डेल्टा मतलब इसका भी विकास हो रहा है, जैसे जब डेल्टा का विकास निरंतर लगातार होता रहे तो उदाहरण के लिए गंगा मिसिसिपी नील वांगो यांग टी सी यांग आदि नदी का डेल्टा। जलोढ़ शंकु या जलोढ़ पंख, इसमें देखते हैं क्या क्या है। जब पहाड़ों से नदियाँ उतर कर मैदानों में प्रवेश करती हैं तब उनकी गति अब क्या होगी तो मंद हो जाएगी और वह पर्वत एवं मैदान के संगम स्थल पर कुछ लोड जमा कर देती हैं जो कि शंकु के आकार में ये तिकोना हो जाएगा। शंकु कैसा होता है हम लोग जानते हैं, शंकु ऐसे ना बनेगा, शंकु हो गया आकार में तिकोना होता है। जलोढ़ शंकुओं के कारण मुख्य नदी अनेक शाखाओं में बटकर बहने लगती है एवं जलोढ़ पंखों का निर्माण करती है। देखिए ये सब जलोढ़ पंखों का निर्माण है, ये जलोढ़ शंकु है और जलोढ़ पंख है, शंकु शंकु जैसा पंख डायरेक्ट इसका आकार टूट कर नीचे गिर गया है। अब तटीय स्थलाकृति जो तट है किनारे, तो इसमें के तट मतलब समुद्र के किनारे होगा तो इसे देख लेते हैं। तो सागरीय जल में तरंगों की उत्पत्ति मुख्यतः पवनों के द्वारा होती है, तरंग के उठे भाग को क्या कहेंगे श्रृंग तथा दबे हुए भाग को गर्त हम जाते हैं, ऐसे नहीं होगा ये तरंग है मतलब श्रृंग है और ये गर्त है। स्थल की ओर गतिशील तरंग का श्रृंग समुद्र तटीय जल के छिछले हो जाने के कारण ऊंचाई में बढ़ता जाता है, अंत में टूट कर स्थल की ओर बढ़ता है और इसे सर्फ स्वास्थ्य या ब्रेकर कहते हैं, मतलब तट को तुरंत अंदर घुस गया। जब सर्फ का जल वापस लौटता है तब यह तट की ओर आने वाली तरंग के नीचे नीचे चलता है, इस लौटते हुए जल को अधो प्रवाह या बैकवास कहते हैं। जब श्वास अधो प्रवाह से अधिक हो शक्तिशाली हो तो इसे निर्माणात्मक तरंग कहेंगे, यानी जब लौटने वाला का ताकत जो वहाँ से आ रही तरंग उससे अधिक हो तो ये निर्माण करेगी
और जब अधोप्रवाह श्वास से अधिक शक्तिशाली हो, जब अधोप्रवाह श्वास अधिक शक्तिशाली हो तो क्या हो, ये विध्वंसक तरंग हो। यानी जब तो सामान्य तौर पर देखिए कि जब तरंग की रफ्तार या उसकी बारंबारता अधिक है तो वो विनाश करेगी, जब तरंग की स्पीड यानी उसका वेग और आने का फ्रीक्वेंसी कम है तो वो निर्माण करेगी। और तरंगी का ये क्या है, तो सागरीय लहर का जल जब सर्फ के रूप में तट से टकराता है, सर्फ क्या है, जो सर्फिंग करते हैं लोग नहीं देखते पिक्चर में कि जो तरंग चलते रहता है उसमें छोटी सी नाव रहता है उस पर खड़ा होकर और इसी तरह वो कूदते रहता है, वो सर्फ कर रहा है, तो उसका जल अनेक रूपों में बढ़ जाता है तथा अधोप्रवाह वेलांचाली धारा एवं तरंग के रूप में बहता है। जल का जो भाग तरंग के रूप में ही सागर की ओर वापस लौट जाता है इस तरंग को तरंगिका कहते हैं। और सागरीय अपरदन की कार्यविधि, और सागरीय अपरदन कैसे कैसे होगा, जल गति क्रिया द्वारा, अपघर्षण, सन्निघर्षण, घुलन घुलन क्रिया द्वारा, जल दाब द्वारा सागरीय तट के अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक जैसे सागरीय तरंगों की लंबाई, तरंगों का वेग, तटों की चट्टानों की बनावट तथा संरचना, जल की गहराई, अपरदन की कालावधि आदि, ये सब उसके कार्य होते हैं। मतलब इन सब के पर वो निर्धारित होता है कि वो कैसा निर्माण करेगा। देख लेते हैं कि अपरदनात्मक स्थल रूप, अपरदनात्मक जो होगा पहले अपरदन होगा इरोजन, तो कैसा स्थल रूप बनेगा, जिसे सबसे पहले वो क्लिफ का निर्माण करेगा। ये क्या होता है, यह तीव्र ढाल वाला एक खड़ा वाला तट का खड़ा हुआ भाग है। मतलब पहले ऐसा था लेकिन बाद में कैसा होगा, ये टूट गया और यहीं पर समुद्र बार बार धक्का दे रहती है, खड़ा हो गया, कगार हो गया। और आधार पर तरंगों के अधिक अपरदन से निर्मित कटाव को खांच कहते हैं। उसमें जब उसमें रुक छेद हो जाएगा उसको क्या कहेंगे, मतलब जहाँ तहाँ उसमें तरंग जब धक्का मारेंगी तो अंदर तक उसमें इसी तरह होल छोटा छोटा कर दे, उसको कहेंगे खांच। और उच्च ज्वार समुद्र तल, मतलब सामान्य समुद्र तल यही है, निम्न ज्वार होगा तो नीचे यहाँ तक रहेगी, उच्च ज्वार होगा तो यहाँ तक आएगी, और इसी तरह लहरें आगे पीछे करते रहती हैं। तो जब ऊँच ज्वार आएगा तो यहाँ तक टक्कर मारेगा, तो हाइट लास्ट है तो यहाँ पर भी ऊँच ज्वार की निशानी हमें मिलेगी। और आगे बढ़ते हैं कि ये क्लिफ का उदाहरण है। मतलब यह क्या देखिए हम लोगों ने कि मतलब पहले क्षेत्र ऐसा रहा होगा लेकिन आज इस तरह इसको क्या किया, ये खाड़ा ढाल बना दिया, मतलब इतना इसका अपरदन हो गया। आगे बढ़ते हैं तरंग घटित प्लेटफॉर्म, मतलब जब क्लिफ अपरदन द्वारा पीछे, जब अपरदन होगा तो पीछे हटेगा तब उसके सामने एक चबूतरा निर्मित हो जाएगा, जब दो खारा चबूतरा हो गया। और तटीय कंदरा क्या है, तो शीर्ष स्थल में अधिक अपरदन के कारण उसमें कंदरा का निर्माण हो जाता है। जब शीर्ष स्थल के दोनों पार्श्वों पर कंदराओं का निर्माण हो तो दोनों कंदराएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं, तो इसे हम लोग प्राकृतिक मेहराब कहेंगे। मेहराब शैली हम लोग जानते हैं कैसा होता है कि मान लीजिए कि पहले एक क्षेत्र है, बाद में इसमें दोनों तरफ से अपरदन हो रहा है तो क्या हो गया, दोनों छेद हो गया, तो अब इस तरह की एक स्थलाकृति बन गई, क्या है, प्राकृतिक कंदरा है। और लघु निवेशिका क्या है, जब समुद्री तट कड़ी व कोमल दोनों प्रकार की शैलों द्वारा निर्मित होता है तो लहरों द्वारा कोमल चट्टानों को काटने के कारण तट पर छोटी छोटी खारियां बन जाती हैं, जिन्हें हम लोग लघु निवेशिका कहते हैं। यानी तट क्या हो, पहले तट ऐसा था मान लीजिए लेकिन अब वो कटा फटा हो गया, बीच बीच में समुद्र का पानी अंदर तक घुस आया तो लघु निवेशिका बन जाएगी। देखिए नीचे बना दिया, दो के बीच समुद्र की ओर निकला स्थलखंड क्या कहेगा, वो तो शीर्ष स्थल कहलाएगा। और लघु निवेशिका कहाँ है, ये सब गुजरात में इस तरह के क्षेत्र मिलते हैं। और सागरीय स्तंभ यानी जब मेहराब था, अब मेहराब की छत कमजोर हो जाएगी तो क्या वो टूट कर, अब नीचे पहले मेहराब ऐसा था अब वो टूट गया तो टूट कर इस तरह दूर खड़ा हो गया, क्या ये स्तंभ हो गया सागरीय स्तंभ। जो दूर व पृथक खड़े स्तंभ क्या कहलाएंगे, जब दूर अलग अलग बहुत दूर दूर कहीं एक खड़ा हो गया तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, ये तो स्टैक होंगे, ये चिमनी रॉक या स्कैरी कहलाते हैं। जब सागरीय स्तंभ अपरदन द्वारा घिस कर छोटे हो जाएंगे, जब छोटे हो जाएंगे मतलब पहले तो ये इतने बड़े हैं लेकिन समय के साथ अब ये छोटे इतना ये घट गया और ये टिमूरे चबूतरा जैसा दिखाई देगा तो उसको क्या कहेंगे, तो वो स्टंप कहलाएगा, क्या, तो स्टंप। आगे बढ़ते हैं और बात छिद्र, मतलब समुद्री गुफाओं में तरंगों द्वारा छत में अपरदन के कारण उत्पन्न छिद्र, जब अपरदन हो रहा है तो समुद्री गुफा का निर्माण हो गया यानी कंदरा,
ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और ये समुद्री गुफा का कंदरा हो गया, लेकिन यहाँ पर अपरदन होते होते ये नीचे मान लीजिए कि यहाँ पर चूना पत्थर रहा होगा, तो यहाँ पर छिद्र बन गया, जो होल हो गया, तो उसको क्या कहेंगे, तो ये वात छिद्र है, और जिसमें वायु प्रवेश करने पर आवाज़ करते हुए बाहर निकलती है, इसे ग्लोब भी कहेंगे, ग्लोब। और जियो, ये जियो क्या है, जियो जब कंदरा की छत ध्वस्त होकर अब वो गिर जाएगी तो सकड़ी तथा छोटी छोटी खाड़ियों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे जियो का जियो। आगे बढ़ते हैं, ज्वारीय कुंड, ये ज्वारीय कुंड क्या है, तरंगों का जल जब शैलों से टकराकर यानी पत्थर चट्टान से टकराकर वापिस लौट गया तो शैल के खंडों में अपने तलछट और कंकड़ों सहित तीव्रता से वो घूमता रहता है, जिससे एक खड्डे और गहरे होते हैं, मतलब कि जब भले तो तट यहीं तक था लेकिन पानी अब यहाँ तक आएगा, ये तो घूमता रहेगा तो कहीं कहीं गड्ढे रूप बना गड्ढा बना देता है, तो क्या वो जिसमें पानी जमा हो जाएगा, जिसमें ज्वार का पानी हो, क्या वो ज्वारीय कुंड कहलाएंगे। आगे देखते हैं निक्षेपणात्मक स्थल, तो निक्षेपणात्मक स्थल में क्या है, तो तटीय निक्षेपण से बनने वाले स्थल रूप, जैसे अब पहले अपरदन देख लिए अब निक्षेपात्मक देखेंगे हम लोग, तो तरंग निक्षेपित अब प्लेटफॉर्म होगा, तो तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म के समुद्र वाले किनारे की ओर मलबे के निक्षेप से इसका निर्माण होता है, यह हमेशा जल से ढका रहता है, और पुलिन यानी बीच मतलब समुद्र तट का वह भाग जो उच्चतम ज्वार और निम्नतम ज्वार के तलों के बीच में स्थित हो, तो क्या हो पुलिन, जो बीच में लोग घूमने जाते हैं, और जब सुनामी आती है तो बहुत सारे लोग घूमने वाले सदा के लिए चले जाते हैं, और रोधिका यानी बालू के बांध या कटक जिनका निक्षेप समुद्र तल पर लहरों और धाराओं द्वारा होता है, ये स्थिति एवं आकृति के अनुसार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, उनको क्या कहें, उनको रोधिका कहेंगे। आगे देख लेंगे स्पीड, ये क्या है स्पीड, जब मलबे का निक्षेप इस प्रकार होता है कि रोधिका का एक छोर शीर्ष स्थल से संलग्न रहे तथा दूसरा छोर खुले समुद्र की ओर निकला रहे, तो ऐसी रोधिका क्या कहेगी, तो स्पीड कहलाती है। यानी आगे देखिए हम लोग, तो पहले जो तट रहा होगा ऐसा रहा, अब एक कट छट गया तो इस तरह का बन गया, फ्योर्ड तट इसको कहते हैं अंग्रेजी में, रिया तट, तो भूमि स्पर्श, इसमें क्या क्या है स्पीड, मतलब ये पानी यहाँ तक ला अंदर तक आ गया, सॉरी हम उसको उल्टा बना दिया, ऐसे बना सकते हैं जैसे समुद्र तट पहले यहाँ तक था, जब यहाँ से पानी अंदर तक जाएगा तब क्या होगा, विभिन्न तरह की आकृतियाँ बनेंगी, तो जो ये समुद्र जो स्थल का आकृति समुद्र में अंदर तक बचा, ये क्या है स्पीड है, ये बालू के नीचे जो जमा हो गए हैं ये सब जमा होने से बने, जब जो लहरें जाती है यहाँ तक जाएगी और जब वापस आएगी तो अपने साथ वहाँ से जो मिट्टी या मलबे लाएगी तो जमा करेंगी, तो जमा करके क्या एक रोधिका का निर्माण कर देंगी, एक लंबे इस तरह के बने, इसको क्या कहेंगे हम लोग स्पीड कहेंगे, और इसी तरह बैरियर का निर्माण करेंगे, इसको क्या कहेंगे अपतट रोधिका का निर्माण करेंगे, क्लियर है, तो अपतट रोधिका तथा स्पीड। और हुक क्या है, तो यही हुक है, आगे देखिए हुक स्पीड के स्वतंत्र सिरों पर, सॉरी हुक स्पीड के स्वतंत्र सिरों पर मलबा एकत्रित करने वाली धारा इसको समुद्र की ओर बढ़ाती जाती है, अन्य धारा एवं तरंगे इसको दूसरी दिशा में मोड़ने का प्रयास करती है, ऐसी मुड़ी हुई रोधिकाएं हुक कहलाती है, क्या तो हुक कहलाती है, और ये मतलब तट था और ऐसे मुड़ गई है। और छल्ला, जब रोधिका अत्यधिक मुड़ जाती है तो उस तो लूप कहा, क्या तो पूरा मुड़ गया है, लूप हो गया, लूप हो। और खाड़ी मुख रोधिका, खाड़ी मुख मतलब जब खाड़ी के मुख पर रोधिका इतनी बड़ी हो जाए कि उसके मुख को बंद कर दें, तो इसे क्या हो जाए, गुंझिल बनता है, इसे खाड़ी मुख रोधिका कहते हैं। और टोम्बोलो, टोम्बोलो क्या है, यह लहरों की क्रिया से निर्मित होता है, जब तट से दूर स्थित द्वीप रोधिका द्वारा तट से जुड़ जाते हैं तो ऐसी रोधिका टोम्बोलो कहलाती है। देखिए उदाहरण नीचे, मतलब पहले तट हमारा कहाँ तक था, तो यहाँ तक था, चाहे मान लीजिए कि तट यहाँ तक था बीच में, और ये सब अपरदन हो गया इन लोगों का, ये यहाँ तक समुद्र चला गया, लेकिन साथ साथ में कुछ क्षेत्र बचा रह गया, कुछ अवशेष ये सब है, मान लीजिए स्टैग बच गया, अब इनमें जब वो लहरें वापस आएंगी तो अपने साथ जो मिट्टी या कंकर पत्थर लाएंगे उनको किसी सारे जमा कर देंगी, तो क्या बनाएगी ये भाग, तो कोई ट्रम्बोलो बना देगा, ये बहुत लंबा क्षेत्र है जो किसी द्वीप से मिल गया डायरेक्ट, तो ये पूरा इधर से इधर ब्लॉक कर दिया, एक फिर छोटा द्वीप यहाँ से, इसको क्या, इसको लोग टोम्बोलो कहते हैं।
और रोधिकाओं के निर्माण मतलब बांध है निर्माण के लिए वेलांचली धाराएं उत्तरदायी है। वेलांचली मतलब तरंग या ज्वार कहिए। ये धाराएं तरंगों के तट से तिरछे टकराने से उत्पन्न होती हैं। इन्हें किनारा प्रवाह भी कहा जाता है और पुलिन का निर्माण भी वेलांचली प्रवाह द्वारा ही होता है, मतलब बीच का निर्माण। और आगे तट रेखा के प्रकार, तो तट रेखा भी कई प्रकार के होंगे। स्वेज के अनुसार तट रेखा दो प्रकार के होते हैं। स्वेज के अनुसार कौन कौन? तो पैसिफिक प्रकार की और अटलांटिक महा प्रकार की। पैसिफिक प्रकार की तटरेखाएं नवीन मोड़दार पर्वतमालाओं के समानांतर हैं, मतलब पैसिफिक प्रकार की तटरेखाएं नवीन मोड़दार पर्वतमालाओं की समान है, यानी नवीन पर्वतमालाओं की तरह है। वहीं अटलांटिक प्रकार की, तो यह महादेशों की संरचना विन्यास और पर्वतमालाएं तट के अनुप्रस्थ रहती हैं और बूचर ने इन्हें क्रमशः सुसंगत और विसंगत कहा है। ये किसके बारे में? तो अटलांटिक प्रकार की तटरेखाओं के बारे में। और रिया फ्योर्ड तथा डल मेसियन तट देख लेते हैं, महत्वपूर्ण है। रिया मतलब जब उच्च भूमि की पहाड़ियाँ व नदियाँ तट से लंबवत मिलती हैं, तो इस रिया तट का तट पर रिया तट का निर्माण होता है। रिया प्रायः कीप के आकार का, कीप कैसा होता है इसी तरह का ना, कीप होगा, कीप के आकार के होते हैं तथा स्थल की ओर जाने पर ये सक्रिय हो जाते हैं। सॉरी मतलब ये स्थल की ओर जाएंगे तो ये सक्रिय होएंगे, मतलब इनका मुंह चौड़ा होगा और ये अंदर पतले हो जाएंगे और कम गहरे होते जाते हैं। रिया निम्नगण उच्च भूमि तट का ही एक उदाहरण है। ये अत्यंत कटे फटे होंगे, इसलिए इनको फ्योर्ड तो कहें। उदाहरण दक्षिणी पश्चिमी आयरलैंड, आयरलैंड उच्च उत्तर पश्चिमी स्पेन, फ्रांस में ब्रिटेनिया तट, ये सब रिया तट यानी कटे फटे तट के उदाहरण हैं। और फ्योर्ड तट ये क्या है? ये हिमनद द्वारा कटे फटे होते हैं, मतलब ये हिमनदों की घाटियाँ हैं जो समुद्र में डूब गई हैं। फ्योर्ड की दीवारें खड़ी व ऊँचे ढाल होती हैं, उदाहरण नॉर्वे व स्कॉटलैंड, यहाँ पर ढाल ऊँची है लेकिन रिया में उतनी ऊँची ढाल नहीं थी। आगे डल मेसियन तट, तो डलमेशियन तट क्या है? इस प्रकार के तट में पर्वतमालाएं तट के समानांतर पाई जाती हैं, मतलब देखिए ये तट है और पर्वतमालाएं भी इसके समानांतर पाई जाती हैं। ये पुरानी पर्वतमालाएं समानांतर लंबे द्वीपों की श्रृंखला में बदल जाती हैं, जिनके बीच लंबी लंबी समुद्र की बाहें अंदर तट के समानांतर प्रवेश कर जाएंगी। उदाहरण पूर्वी यूगोस्लाविया का डलमेशियन तट, प्रशांत महासागर में अमेरिकी पश्चिमी तट पर ऐसी स्थिति पाई जाती है, अतः इन्हें प्रशांत महासागर प्रकार के तट कहते हैं। मतलब पुराने पर्वत हैं जो समय के साथ वो कटफट जाते हैं और उसमें अंतर तक समुद्र का पानी चला आता है, जो क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भू आकृतिक संकट यानी जियोमॉर्फिक हैजार्ड, जो इनसे उत्पन्न जैसे भूकंप, ज्वालामुखी तथा अन्य क्रियाओं से उत्पन्न होते हैं, ये अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद, और आशा करते हैं अगर अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।